हेलो स्टूडेंट्स, फिर से एक नए वीडियो में आ रहा हूँ और इस बार का डिस्कशन है 2019 के जेई मेंस के सारे मेटलर्जी के क्वेश्चन, दोनों शिफ्ट के हम वन बाय वन करेंगे। इसमें जहाँ भी रिक्वायर्ड होगा, जितनी डिसेंट थ्योरी सारी चीज़ें मैं बताता जाऊँगा। तो स्टार्ट करते हैं इसमें वन बाय वन। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, द ओर दैट कंटेन्स आयरन एंड कॉपर इज। देखो ये सब रटने का क्वेश्चन है, लेकिन मैं इसका बेस्ट सोल्यूशन बताता हूँ। बेस्ट सोल्यूशन छिपा हुआ है एनसीईआरटी में, एनसीईआरटी में। अब आप कहोगे एनसीईआरटी में क्या सोल्यूशन छिपा हुआ है इसका बेस्ट सोल्यूशन, तो वो मैं बता रहा हूँ आपको एनसीईआरटी में क्या सोल्यूशन है। देखो एनसीईआरटी ने कुछ प्राइमरी ओर्स दे रखे हैं हर एक मेटल के, बस आपको उसी को याद रखना है। ऐसे तो ये लिस्ट बहुत लंबी है, ठीक है। एनसीईआरटी के सिर्फ लिस्ट याद रखो, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ एक बार क्या है। एनसीईआरटी ने एल्यूमिनियम के सिर्फ दो ही ओर्स मेंशन किए हैं, एक है बॉक्साइट। ये आप ऑलवेज अपने साथ रखोगे, दो चार बार देखोगे ऑलवेज दिमाग में सेट हो जाएगा बहुत आसानी से। 2H2O, क्योलिनाइट, ये भी इसमें बस 2SiO2 लग जाता है, कुछ नहीं होता है। 2SiO2 ऊपर वाले में सिलिका आ जाएगा, Al2O3 डॉट 2SiO2, और पानी एज इट इज 2H2O रहेगा। तो एल्यूमिनियम के बस ये दो हैं। ऐसे ही आयरन के आप आ जाओ, तो आयरन के जो एनसीईआरटी ने मेंशन किए बस उसी को याद रखो आप। हेमाटाइट, ये होगा Fe2O3। मैग्नेटाइट ये होगा Fe3O4। Fe3O4 अगर आप देखोगे तो फेरसोफेरिक कहते हैं, FeO एंड Fe2O3 इसी का कंबाइन फॉर्म है, ठीक है। तो Fe3O4 हो जाएगा, तो मैग्नेटाइट इसका नाम है। सैडेराइट, ये कार्बोनेट ओर होता है, ये भी पूछा गया है मेंस में। FeCO3 होगा, और एक आयरन पायराइट। देखो पायराइट, ग्लांस, ये सब जो नाम होते हैं ना, ये सल्फर के होते हैं। आयरन पायराइट, एक मिनट थोड़ा गड़बड़ हो गया। आयरन पायराइट FeS2, तो आयरन की ये चार आप याद रखो। कॉपर पे आ जाओ, कॉपर में है कॉपर पायराइट, देखो फिर से पायराइट आ गया। कॉपर पायराइट ध्यान रखना CuFeS2 होता है, ये प्राइमरी ओर है, इसी से कॉपर को एक्सट्रैक्ट किया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद भी होना चाहिए आपको। तो पायराइट मतलब सल्फर, जो मैंने पहले बताया था वही आ गया फिर से। मैलाचाइट, मैलाचाइट ये कॉपर के जो होता है ना, एटमॉस्फेयर में एक्सपोजर होने पे बहुत सारे स्टैच्यू ग्रीन कलर के हो जाते हैं, उसका यही रीजन होता है। कॉपर का जो स्टैच्यू होता है, वाटर और CO2 के एक्सपोजर में कॉपर का कार्बोनेट और कॉपर का हाइड्रोक्साइड बना देता है, जो कि ग्रीन कलर की परत हो जाती है, तो धीरे धीरे वो ग्रीनिश दिखने लगता है, तो मैलाचाइट इसी को कहते हैं। क्यूपराइट, क्यूपराइट ऑक्साइड, ये ऑक्साइड और होता है CO2O, और कॉपर ग्लांस। कॉपर ग्लांस, ग्लांस ये सब सल्फाइड है, और एक जिंक का आप याद रखो, बस इतने ही मेटल्स हैं। इसके अलावा एक इंफॉर्मेशन और मैं अपनी तरफ से आपको बोलूंगा, जिंक ब्लेंड, ये सॉलिड स्टेट में भी इंपॉर्टेंट होता है। इसका दूसरा नाम होता है स्फेरेलाइट, स्फेलेराइट, ठीक है, ZnS इसको कहते हैं, दिस इज ZnS। जिंक सल्फाइड, कैलामाइन, पहले लैक्टो कैलामाइन एक क्रीम भी आता था, लैक्टो कैलामाइन करके, ठीक है, जिंक का कार्बोनेट होता है। जिंकाइट, जिंकाइट ये है ZnO। इतने चीज आप याद रखो, ठीक है, ये बहुत हेल्पफुल है। इसके अलावा एक इन्फॉर्मेशन मैं और अपनी तरफ से आपको आपको कहूंगा, एनसीईआरटी में मेंशन है, जो Al2O3 है ना, ये प्रीसियस स्टोन को जन्म देता है। अब कौन कौन से प्रीसियस स्टोन होते हैं, अगर Al2O3 में, Al2O3 विथ विथ क्रोमियम इम्प्योरिटी, इम्प्योरिटीज, क्रोमियम अगर एज ए इम्प्योरिटी होगा तो ये रूबी होता है, रूबी स्टोन जो हम कहते हैं ना, यही होता है। तो ये भी पूछा जाता है बहुत बार, क्योंकि एनसीईआरटी ने मेंशन कर दिया है। और दूसरा इसी का एक और है, इसमें CO होगा तो सफायर होता है, तो Al2O3 विथ CO, तो ये हो जाएगा सफायर, सफायर। तो इतनी चीजें आप याद रखो।
अब आते हैं, कहते हैं कि जिसमें दोनों आयरन और कॉपर दोनों प्रेजेंट है, ये तो ऐसे ही पता चल गया। ये देखो यहाँ पे तो CuFeS2 कॉपर पाइराइट, यही इसका नाम है। यहाँ पे ये मैं अंडरलाइन करके दिखाता हूँ, ये रहा, दिस इज दैट वन, ठीक है। तो ये पहला था। नेक्स्ट आते हैं सेकेंड क्वेश्चन पे। द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द एलिंगम डायग्राम, रिगार्डिंग द गिवन एलिंगम डायग्राम इज। तो पहले मैं एलिंगम का बेसिक चीज आपको बताता हूँ, कितना चीज आप याद रखोगे तो सारे क्वेश्चन क्रैक हो जाएंगे एलिंगम में, कुछ भी कहीं कोई पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो एलिंगम में सिर्फ तीन मेन पॉइंट है, एलिंगम में तीन मेन पॉइंट है। वो मेन पॉइंट क्या है वो मैं बताता हूँ आपको वन बाय वन। देखो पॉइंट नंबर वन, अगर एलिंगम डायग्राम में दो ग्राफ आपको दिखता है, देखो यहाँ पे होता है डेल्टा जी और यहाँ पे होता है टेम्परेचर, दो ग्राफ है, एक ग्राफ ऐसे है दूसरा ग्राफ ऐसे है, ठीक है। मान लो ये मेटल एम का है, एम प्लस ओ टू एम ओ टू, ये मेटल एन का है, एन प्लस ओ टू एन ओ टू। तो इसका ये मतलब है कि मेटल एम एनओ टू के ऑक्साइड से मेटल एन को रिड्यूस कर देगा। व्हाट आई मीन टू से कि अगर आप एनओ टू लोगे तो इसको रिड्यूस करने के लिए आप मेटल एम को, ये ध्यान रखना ये एम है, ये एनओ टू गैस नहीं है, एम से अगर आप करोगे तो ये एमओ टू प्लस एन को सेपरेट कर देगा, ये मेटल रिड्यूस होकर आपको मिल जाएगा। यानी नीचे वाला मेटल अपने ऊपर वाले मेटल के ऑक्साइड से उसको रिड्यूस कर देता है, ये पॉइंट नंबर वन। दूसरा चीज, जो कार्बन का ग्राफ होता है, कार्बन का ग्राफ पहले 720 तक, 720 तक ये CO2 बनाता है, C प्लस ओ टू गिव CO2, CO2 ये स्पॉन्टेनियस होता है 720 तक। मैं थोड़ा सा इसको लेंदी कर देता हूँ, एक मिनट। C प्लस ओ टू ये CO2 बनाएगा कहाँ तक, 720 तक, यहाँ तक, ये टेम्परेचर 720 है, 720। इसके बाद इसका रिएक्शन C प्लस ओ टू CO में होना स्टार्ट हो जाता है और ये डाउनवर्ड स्लोप में चला जाता है। इसीलिए ऑलमोस्ट किसी भी मेटल को डाउनवर्ड क्रॉस करेगा, भाई दूसरे कोई मेटल होंगे उसका ग्राफ तो ऑलवेज अपवर्ड जाएगा, मान लो कोई दूसरा मेटल है अपवर्ड जाएगा तो आप देखोगे इस टेम्परेचर पे आके इसको डाउनवर्ड कट कर रहा है, कोई दूसरा मेटल हो वैसे जाएगा तो आप देखोगे इस टेम्परेचर पे आते आते CO उसके नीचे चला गया। तो अगर ये नीचे चला गया तो नीचे वाला ऊपर को रिड्यूस कर सकता है, इसीलिए कार्बन ऑलमोस्ट हर एक को रिड्यूस कर देगा किसी ना किसी टेम्परेचर पे, क्योंकि किसी ना किसी टेम्परेचर पे हर मेटल के नीचे जाएगा। तो ये दूसरा पॉइंट आपको जानना है। तीसरा इस पे बेस्ड जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है वो ये है कि ऑक्साइड की स्टेबिलिटी पूछी जाती है। मान लो मैं आपको एल्यूमिनियम के ऑक्साइड का फॉर्मूला दे रहा, Al प्लस ओ टू एल टू ओ थ्री ये इसका ग्राफ है। फिर मैं आपको दे दूं सिल्वर का, Ag प्लस ओ टू AgO, ठीक है। फिर मैं आपको दे दूं गोल्ड का, Au प्लस ओ टू Au2O3। तब स्टोरी ये है कि इनमें, इन तीनों ऑक्साइड में सबसे स्टेबल ऑक्साइड कौन है, तो रूल ये होता है कि जो सबसे नीचे ऑक्साइड होता है वो सबसे ज्यादा स्टेबल होता है। यानी अगर आप थर्मल स्टेबिलिटी की बात करोगे तो Al2O3 ये टॉप पे होगा, इससे कम आएगा AgO, जो सबसे ऊपर वो सबसे ज्यादा अनस्टेबल, Au2O3 लीस्ट अनस्टेबल। ये है थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्साइड, बस इतनी चीजें आप करो आराम से होगा। अब आते हैं इस क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो एक बार स्टेटमेंट को देखते हैं, ये रहा स्टेटमेंट। एट 1400 डिग्री सेंटीग्रेड Al कैन बी यूज फॉर द एक्सट्रैक्शन ऑफ जिंक फ्रॉम ZnO। कह रहा है कि ZnO से हमें जिंक चाहिए, तो क्या हम एल्यूमिनियम को यूज कर सकते हैं ताकि ये रिएक्शन हो जाए Al2O3 और जिंक हमें मिल जाए। तो ऐसा करने के लिए एल्यूमिनियम का ग्राफ जिंक वाले से नीचे होना चाहिए 1400 पे, तो देखते हैं। तो ये रहा जिंक का ग्राफ, अरे ये तो हर एक टेम्परेचर पे ही एल्यूमिनियम नीचे है, आप चेक कर लो, जिंक वाला तो ऊपर है ये नीचे है, तो ये तो किसी भी टेम्परेचर पे कर देगा। तो पहला ही हमें करेक्ट पता चल गया, वैसे हम सारे ऑप्शंस को वेरीफाई करते हैं। दूसरा कह रहा है कि एट 500 डिग्री सेंटीग्रेड कोक कैन बी यूज्ड फॉर एक्सट्रैक्शन ऑफ जिंक फ्रॉम ZnO। कह रहा है कि यही काम करने के लिए ZnO को हम क्या कोक यानी कार्बन को यूज कर सकते हैं रिडक्शन में, तो देखते हैं। 500 डिग्री सेंटीग्रेड पे नहीं कर सकते हैं क्योंकि कार्बन का ग्राफ ऊपर लाई कर रहा है जिंक से, तो नहीं कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि अगर इस रिडक्शन को कराना है तो कार्बन के ग्राफ को नीचे आना होगा। हाँ कोई पूछे कि किस टेम्परेचर पर कर सकते हैं, तो इस टेम्परेचर के बाद कार्बन का ग्राफ नीचे चला गया जिंक के, यानी ये जो भी टेम्परेचर आए अंदाजे से मान लेते हैं ये 700 आता है, तो 700 के बाद, 700 से हाई टेम्परेचर पे आप यूज कर सकते हो क्योंकि उसके बाद ये नीचे चला गया। तो
कोक कैनॉट बी यूज फॉर द एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर फ्रॉम CO2O. कह रहा है कोक को हम कॉपर के एक्सट्रैक्शन के लिए यूज नहीं कर सकते, ये स्टेटमेंट भी गलत है, बिल्कुल कर सकते हैं. ये देखो कार्बन का जो ग्राफ है कॉपर से इसी टेम्परेचर पे नीचे चला गया, तो आराम से आप इस टेम्परेचर पे रिडक्शन कराओ, इस टेम्परेचर पे कराओ, आराम से इसको रिड्यूस करेगा. तो ये स्टेटमेंट भी गलत हो गया. थर्ड भी. फोर्थ देखते हैं. एट 800 डिग्री सेंटीग्रेड कॉपर कैन बी यूज फॉर द एक्सट्रैक्शन ऑफ जिंक फ्रॉम ZnO. कॉपर को यूज करना है? नहीं भाई, जिंक तो हर टेम्परेचर पे, इसने तो खैर 800 की बात की है, 800 जितना पार्ट दिया हुआ उतने पार्ट में तो हमें क्लियर दिख रहा है कि 800 पे कॉपर का ग्राफ ऊपर है, जिंक का नीचे है, तो कॉपर जिंक को रिड्यूस नहीं कर पाएगा. तो ये स्टेटमेंट हुआ इस केस में हमारे पास. आते हैं अब नेक्स्ट थर्ड पे. हॉल्स हेराल्ड्स प्रोसेस इज गिवन बाई. देखो ये एल्युमिनियम की मेटलर्जी से रिलेटेड है, तो मैं पूरी स्टोरी एल्युमिनियम की ही बता देता हूँ आपको. एल्युमिनियम इसकी कहानी स्टार्ट होती है Al2O3 से, प्राइमरी ओर इसका बॉक्साइट है. तो अगर कोई ओर पूछे इसका प्राइमरी ओर तो वो है Al2O3.2H2O, बॉक्साइट इसका नाम है. अब सबसे पहले इसकी प्योरिफिकेशन होती है, तो इसकी प्योरिफिकेशन में आता है बेयर्स प्रोसेस. बेयर्स प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लीचिंग इसमें यूज होता है, NaOH को हम यूज करने जा रहे हैं. तो होता क्या है कि जब माइन से निकल के Al2O3 आता है तो इसके साथ बहुत सारी इम्प्योरिटी होती है, सिलिका यानी ये सैंड का फॉर्मूला SiO2 प्लस अदर इम्प्योरिटीज. तो सबसे पहला काम हम क्या करते हैं, इसको NaOH से ट्रीट करते हैं. यही बेयर्स प्रोसेस में NaOH से, जैसे ही आप NaOH से ट्रीट करोगे तो ये बनाएगा NaAlO2 और सिलिका भी बनाएगा Na2SiO3, ठीक है, और जो इम्प्योरिटी है वो इनसॉल्युबल रह जाएंगे. इम्प्योरिटीज ये अभी भी सॉलिड में रहेंगे और ये दोनों सॉल्युबल हो जाएंगे एक्वस. तो इसको फिल्टर करके रिमूव्ड कर लेंगे, रिमूव्ड. तो मामला इसका तो छानने के बाद खत्म हो गया, अब ये दोनों रह गए. तो अब इन दोनों के ट्रीटमेंट के लिए इससे हम CO2 की बबलिंग कराते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड की. जैसे ही आप CO2 की बबलिंग कराओगे तो जो NaAlO2 है उससे वापस एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड प्रेसिपिटेट हो जाएगा, ये PPT सॉलिड बन गया, वाइट कलर का होता है, जेल वाइट. और जो सिलिका है वो घुला हुआ रहेगा Na2SiO3, ये अभी भी सॉल्युबल है. बस ये सॉलिड बनते ही, PPT बनते ही इसको हम फिल्टर कर लेंगे, फिल्टर. और फिल्टर करने के बाद इसको बस गर्म करने की देर होती है, तो ये वापस हमें Al2O3 मिल जाएगा प्योर फॉर्म में. तो इस ढंग से इसको प्योरीफाई कर लिया जाता है. अब प्योरीफाई करने के बाद Al2O3 से निकालने की बारी है मेटल को. तो मेटल को हम कैसे निकालते हैं, तो उसके लिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ प्रोसेस क्या है मेटल को निकालने का. तो मेटल को निकालने के लिए प्रोसेस यही आता है, हॉल्स हेराल्ड्स प्रोसेस. तो देखो इसमें क्या करते हैं, हम Al2O3 को ड्राई फॉर्म में लेते हैं, ठीक है ना. इसमें Al2O3 है मोल्टेन, इतना गर्म किया कि मेल्ट हो गया मोल्टेन. इसमें कार्बन का ही कैथोड और कार्बन का ही एनोड होता है. ये देखो ये कोक है, कोक की लाइनिंग है, ये स्टील के बर्तन में ऊपर से कोक लगा रहता है, कोक कार्बन की लाइनिंग है. और यहाँ पे जो इलेक्ट्रोड्स होते हैं एनोड भी, वो आपस में कनेक्टेड रहते हैं, ठीक है, ठीक है. ये भी कार्बन का होता है, ग्रेफाइट का होता है, इसको भी ग्रेफाइट ही कर दो, कोक लैंग्वेज नहीं होता है, ग्रेफाइट, ठीक है. और इसकी मेल्टिंग पॉइंट को कम करने के लिए, अदरवाइज इसकी मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होती है, इसकी मेल्टिंग पॉइंट को कम करने के लिए इसमें हम क्रायोलाइट मिलाते हैं Na3AlF6, ठीक है ना, या इसकी जगह CaF2 भी लिया जाता है, या दोनों का मिक्सचर भी लिया जाता है. ये है क्रायोलाइट, ठीक है, क्रायोलाइट. देखो क्रायोलाइट का एक ही रोल होता है कि डिक्रीजेज मेल्टिंग पॉइंट ऑफ Al2O3 सो दैट लो टेम्परेचर पे हम इस प्रोसेस को करा सकें. ये इकोनॉमिकल हो जाता है इंडस्ट्री में. तो इसमें फिर इसका रिएक्शन हो जाएगा, बेसिकली ओवरऑल रिएक्शन यही है कि Al2O3 कोक के प्रेजेंस में इसका रिडक्शन हुआ और Al बन गया प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड बन गया. यही इंटायर प्रोसेस है, पूरी मेटलर्जी एल्युमिनियम की बस यहीं तक कन्फाइंड है. तो अब हर ये तो डायरेक्ट दे दिया इसने रिएक्शन, इतना भी अगर आपको पता है कि ये एल्युमिनियम के प्रोसेस में यूज होता है और एल्युमिनियम के एक्सट्रैक्शन में काम आता है, तो एक ही एल्युमिनियम का ओर दिया हुआ है जिससे एल्युमिनियम एक्सट्रैक्ट हो रहा है. नेक्स्ट आते हैं अब अगले पे, फोर्थ. ये कह रहा है
मैच द ओर्स विद द मेटल्स, कॉलम ए और कॉलम बी में। तो आते हैं देखते हैं क्या है। अच्छा ये फिर उसी से हमारा काम हो जाएगा जो मैंने स्टार्टिंग में आपको लिस्ट दी थी ना, उसी लिस्ट से। देखो कैलामाइन जिंक का है, आप मैच करा दो, ठीक है। मेलाचाइट वही जो ग्रीन कलर का मैंने बताया था कॉपर वाला, वही केस है। अच्छा क्योनीलाइट ये एल्यूमिनियम का है, ठीक है। और सैडेराइट ये आयरन का हो गया, Fe2CO3 होता है, ये हो गया। तो यही मैच हो गया, इससे हमें डायरेक्ट पता चल गया। आप देख लेना कौन सा ऑप्शन फिट बैठेगा। आते हैं नेक्स्ट पे, फिफ्थ पे, विच इज नॉट डिफाइंड एज कैल्सिनेशन, ठीक है। चलो कैल्सिनेशन यहाँ पे वर्ड आया है, मैं आपको कैल्सिनेशन और रोस्टिंग दोनों बता देता हूँ। बेसिकली ये क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ ओर का पार्ट है। एक होता है फिजिकल प्रोसेस, दूसरा है केमिकल प्रोसेस। भाई ओर जब आती है ना इंडस्ट्री से, तो उसमें बहुत सारी मिट्टी विट्टी है, तो हम क्या करते हैं मिट्टी विट्टी हटा के ओर के कंसंट्रेशन को बढ़ाते हैं, ताकि 1 किलो पहले जो हमारे पास आया था उसमें बहुत सारी मिट्टी थी, अब छान के 1 किलो में बहुत सारा ओर कर दें, इसी को कहते हैं कंसंट्रेशन। तो उसके लिए एक होता है फिजिकल प्रोसेस, उसकी धुलाई उलाई, ग्रेविटी सेपरेशन, फ्लोथ फ्लोटेशन वगैरह वगैरह। दूसरा केमिकल प्रोसेस, जिसमें यही किया जाता है। इसमें होता क्या है, रोस्ट पहले कैल्शिनेशन देखते हैं। कैल्शिनेशन में हम क्या करते हैं, इसको हीट करते हैं मेल्टिंग पॉइंट से कम पे। जो ओर है इतना हीट मत कर दो कि मेल्ट हो जाए, उसके मेल्टिंग पॉइंट से कम पे हम हीट करते हैं। पर्पस सिंपल सा होता है कि अगर कोई कार्बोनेट वगैरह है उसमें, तो वो हीटिंग पे टूट जाता है, हमें पता है CO2, तो ये CO2 बाहर आ जाएगा। किसी में अगर मॉइस्चर है, जैसे वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन एलुमिना में होता है, तो इसको अगर आप गर्म करोगे ना, तो ये Al2O3 प्लस H2O बाहर आ जाएगा। तो ये सारे मोटिव्स होते हैं हमारे इसको गर्म करके ये करना, तो ये कैल्शिनेशन का मोटिव होता है। रोस्टिंग में क्या होता है, रोस्टिंग में हमें पता है कि कोई कंपाउंड ऐसे तो वोलाटाइल नहीं है, लेकिन जला देंगे तो वोलाटाइल, जैसे कोयला ही है। कोयला आप देखोगे तो सॉलिड है, पत्थर की तरह है, लेकिन आप जला दो तो पूरा का पूरा जल के CO2 बन के निकल जाता है। तो वही कहानी इसके साथ भी है रोस्टिंग में। तो रोस्टिंग में जैसे फॉस्फोरस है, हमें पता है जिद्दी है, नहीं निकलेगा, तो इसको जला दो P4O10, ठीक है, ये बाहर। तो रोस्टिंग में यही होता है कि हम हीट करते हैं उसी को, यहाँ पे एबसेंस ऑफ ऑक्सीजन, एबसेंस ऑफ एयर, ऑक्सीजन का सोर्स जनरली एयर होता है, और यहाँ पे इन प्रेजेंस एयर हम सप्लाई करते हैं, प्रेजेंस ऑफ एयर, ताकि ये O2 मिल सके। ऐसे ही मान लो किसी का ऑक्साइड बनाना है, से ZnS है, आप इसको जलाओगे तो ये ZnO बना देगा प्लस SO2 बाहर। ये सारे पर्पस होते हैं इसमें। तो इसमें ऑक्सीजन आता है एयर से, उसके प्रेजेंस में इस रिएक्शन को कराते हैं, ये एब्सेंस ऑफ एयर में कराते हैं। तो अब देखते हैं इस डेफिनेशन के साथ, डज नॉट डिफाइंड एज कैल्शिनेशन, किसको हम कैल्शिनेशन नहीं कह सकते हैं, ये कह रहे हैं। तो देखो ये नहीं है, ये रोस्टिंग हो गया, क्योंकि इसमें आपने O2 को यूज कर लिया। बाकी सभी कैल्शिनेशन का पार्ट है कि यहाँ पे देखो मॉइस्चर बाहर, यहाँ पे भी ये टूट गया कार्बोनेट, CO2 बाहर, इसमें भी कार्बोनेट टूट के ये बाहर, इसमें आपने ये रोस्टिंग करा दिया इसका, ठीक है। तो इसीलिए ये रोस्टिंग के पार्ट में आएगा, ना कि कैल्शिनेशन के पार्ट में आएगा। नेक्स्ट आते हैं सिक्स्थ क्वेश्चन, कह रहे मैच द फॉलोइंग विथ कॉलम 1 एंड कॉलम 2। चलो आ जाओ, इसमें जो इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट है उसकी मैं कहानी बता देता हूँ। सबसे पहले ये है, ठीक है, कास्टनर कर्नल प्रोसेस से हम इसको प्रोड्यूस करते हैं NaOH को, NaOH। इसमें क्या होता है, मरकरी इलेक्ट्रोड हम यूज करते हैं, ठीक है। तो देखो ग्रेफाइट एंड मरकरी ये यूज किया जाता है। इसमें क्या होता है कि आप Na एक्वस NaCl लेते हो, NaCl नमक का घोल, एक्वस मतलब पानी में, और इसमें इलेक्ट्रोड होता है, ये इलेक्ट्रोड मरकरी का होता है Hg का, इसमें फोर्स करके Hg को पोर किया जाता है, और ये आप कुछ कुछ भी ले लो कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है ना। ये कार्बन का ही ले लो, ग्रेफाइट का ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है मरकरी का। तो इससे क्या होगा, एनोड पे तो माइनस चार्ज, एनोड पॉजिटिव टर्मिनल को कहते हैं, तो इस पे Cl- जाएगा, तो Cl- एनोड पे जाएगा, 2Cl- गिव Cl2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, कहानी खत्म इसकी। और जब आप कैथोड पे आओगे, तो कैथोड पे अब Na+ का माइग्रेशन होगा, इसके ऊपर प्लस है, ये इसके ऊपर माइग्रेट करेगा, तो 2Na+ प्लस 2 इलेक्ट्रॉन ये देगा Na, सोडियम बनाएगा, और ये सोडियम को तुरंत चारों तरफ से मरकरी घेर लेगा और पानी के कॉन्टैक्ट में नहीं आने देगा,
क्योंकि अगर गलती से भी ये पानी के कांटेक्ट में आ गया ना, तो वहीं पे विगरस रिएक्शन होगी NaOH प्लस H2 की, और ये जो H2 है प्लस H2, ये H2 एक्सप्लोसिव बिहेवियर का होगा, तुरंत जलना स्टार्ट कर देगा, और ये इलेक्ट्रोलाइसिस में ह्यूज क्वांटिटी में होती है, इसलिए दिक्कत आएगी, इसलिए NaHg बन जाता है। और एक चीज और ध्यान रखना, कोई भी अमलगम हो, मरकरी का कंपाउंड मेटल के साथ अमलगम कहा जाता है, उसमें मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट जीरो, ऐसा कोई बॉन्ड मत मान लेना कि ये कोई बॉन्ड है, देर इज नो बॉन्ड, ये सिंपल जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में चारों तरफ से एक परत लगी हुई है। बाद में इसी के ऊपर हम पानी डालते हैं, ह्यूज अमाउंट में पानी का छिड़काव करते हैं, तो धीरे 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 पानी के छिड़काव के कारण मरकरी की परत हट जाती है, और ये रिएक्शन होता है, और ये बन जाएगा हाफ H2, और NaOH हमें मिल जाता है। तो जो NaOH है, यही पूरा कास्टनर कर्नल प्रोसेस है। इसमें याद रखना, जो कैथोड होता है वो मरकरी का होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो इसका तो इसके साथ मैच हो गया, ये भी एस ब्लॉक का है। मैं एक बार फिर से रिकैप कराता हूँ, मेरा वैसे एस ब्लॉक का वीडियो भी वॉच कर सकते हो, उसमें मैंने ये सारी चीज़ें समझाई हुई हैं। अब आते हैं इसके लिए कि इसके लिए क्या स्टोरी है, तो इसकी भी मैं कहानी बताता हूँ। ये सेल्वी प्रोसेस कहा जाता है, सेल्वी प्रोसेस। देखो सेल्वी प्रोसेस में क्या होता है, पहले मैं सेटअप बना लेता हूँ सेल्वी प्रोसेस के लिए। इसमें हम अमोनिया का सोल्यूशन लेते हैं, सैचुरेटेड सोल्यूशन ऑफ अमोनिया, तो NH3 एक्वस, एक्वस ध्यान रखना, NH3 एक्वस इज अनदर नेम ऑफ NH4OH। और इससे हम CO2 की बबलिंग कराते हैं, यहाँ से पाइप के थ्रू एंट्री कराते हैं CO2 को। तो जैसे ही CO2 कांटेक्ट में आएगा अमोनिया के, या दूसरे लैंग्वेज में NH4OH के, तो यहाँ पे एक रिएक्शन होगा, और ये बना देगा NH4HCO3। ये पहले स्टेप में फॉर्म होगा। जैसे ही ये फॉर्म हो गया NH4NaSCO3, इसके बाद हम इसमें नमक मिला देते हैं, NaCl नमक मिलाएंगे। तो सेकेंड स्टेप में अब क्या होगा, NH4HCO3 प्लस NaCl ये आपस में रिएक्ट करेगा, और ये बनाएगा NaHCO3 प्लस NH4Cl, बस काम हो गया हमारा, और ये प्रेसिपिटेट बन जाएगा, और ये होता है सॉलिड। तो बस हम इसको छान के बाहर कर लेंगे, फिल्टर कर लेंगे, और फिल्टर करने के बाद अब बस एक काम करना है, इसको हीट कर देना है। कोई भी बाइकार्बोनेट हीट करोगे तो कार्बोनेट में बदल जाता है, Na2CO3 प्लस H2O प्लस CO2 बना देगा, और इस तरह से हमें Na2CO3 मिल जाता है। तो यही Na2CO3 बनाने का मेथड है, और इस पूरे प्रोसेस को कहते हैं सॉल्वे प्रोसेस, प्रोसेस इस पूरे प्रोसेस को। और ये तो मैंने पहले ही बता दिया, कास्टनर कर्नल प्रोसेस नाम है इसका, तो इसीलिए ये मैच में जाएगा इसके साथ। इसके बाद मैग्नीशियम कार्बोनेट टेम्पररी हार्डनेस, इसके बारे में मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। देखो हार्डनेस दो तरह के हैं, हार्डनेस एक है टेम्पररी, जो हीटिंग पे ही निकल जाए, टेम्पररी हार्डनेस जो सिर्फ गर्म कर दो ये निकल के बाहर आ जाएगा, ठीक है, मामला इसका खत्म हो जाएगा। तो इसके लिए क्या होना चाहिए, देखो हर एक में कैल्शियम और मैग्नीशियम के ही आयंस होने चाहिए, Ca2+ Mg2+ के बाइकार्बोनेट होने चाहिए, HCO3 नेगेटिव होने चाहिए, जो कि यहाँ पे है। देखो मैग्नीशियम का बाइकार्बोनेट लिया हुआ है, इसकी प्रॉपर्टी ये होती है, रिमूव्ड ऑन हीटिंग, रिमूव्ड ऑन हीटिंग, हीट करते हैं इसका मामला खत्म। जैसे कि कैल्शियम का बाइकार्बोनेट ले लो, Bol2, आप इसको जस्ट हीट कर दो, जैसे ही आप इसको हीट करोगे ना, तो ये CaCO3 का PPT बना देगा प्लस H2O प्लस CO2 दे देगा, मामला इसका खत्म हो गया। ये टेम्पररी होता है, और इधर होगा परमानेंट। परमानेंट का मतलब बहुत जिद्दी, कितना भी हीट कर लो कुछ नहीं होना है इसका, वहीं का वहीं पड़ा हुआ रहेगा। तो देखो परमानेंट हार्डनेस में क्या होना है, अब ये हम देख लेते हैं बहुत अच्छे से परमानेंट हार्डनेस में। तो देखो परमानेंट हार्डनेस में इसका तो रहेगा ही, कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन तो रहेंगे ही रहेंगे, लेकिन साथ में इसके सल्फेट होगा या क्लोराइड होगा। तो सल्फेट या क्लोराइड हो तो ये परमानेंट हार्डनेस होती है, और इसको कितना भी गर्म कर लो नहीं निकलेगा, कांट बी रिमूव्ड ऑन हीटिंग, तो यही प्रॉपर्टी होती है, कांट बी रिमूव्ड ऑन हीटिंग। तो ये पूरी थियोरी हमने देख ली, तो ये इसके साथ मैच होगा, और ये इसके साथ मैच होगा, कहानी खत्म हो गई इसकी। नेक्स्ट हम आते हैं इसके बाद अगले पे, नेक्स्ट क्वेश्चन 7। इन
हॉल्स हेराल्ड्स प्रोसेस एल्यूमिनियम इज फॉर्म्ड एट कैथोड, द कैथोड इज मेड अप ऑफ, वो तो मैंने बता ही दिया था, दोनों कार्बन के ही बने होते हैं तो ये कार्बन आ जाएगा। ठीक है, एट्थ क्वेश्चन देखते हैं, द पेयर दैट डज नॉट रिक्वायर्ड कैल्शिनेशन, एक ऐसा पेयर जिसमें कैल्शिनेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है, इसमें तो होगी क्योंकि इसको अगर हीट करोगे तो ये ZnO plus C, जहां जहां कार्बोनेट है सब में जरूरत होगी, इसमें भी मिल गया, लाइन से कार्बोनेट है, ये सब टूटेंगे CaO plus CO2 में और MgO plus CO2 में, यहां पे भी है, इसको हीट करोगे तो पानी इसका बाहर आएगा, मॉइस्चर प्लस XH2O ये बाहर निकल गया। ठीक है, तो यही एक ऐसा कॉम्बिनेशन है जो ऑलरेडी ऑक्साइड में कोई कार्बोनेट या मॉइस्चर होल्ड नहीं कर रहा है। नेक्स्ट आते हैं, विथ रेस्पेक्ट टू एन ओर एलिंगम डायग्राम हेल्प्स टू प्रिडिक्ट द फिजिबिलिटी ऑफ इट्स, तो एलिंगम डायग्राम मैंने पहले ही बता दिया है, एक एलिमेंट से दूसरे एलिमेंट को रिड्यूस करने के बारे में बताता है, जो नीचे वाला है अपने ऊपर वाले मेटल के ऑक्साइड को रिड्यूस कर सकता है, इसीलिए थर्मल रिडक्शन इसका ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट हम आते हैं टेंथ क्वेश्चन पे, तो इसमें ये जो प्रोसेस है ना मॉन्ड्स प्रोसेस, ये मैं पूरा आपको एक साथ पूरी थ्योरी बता देता हूँ, ये आता है रिफाइनिंग का पार्ट, जब मेटल एक बार बन गया तो उसमें बहुत सारी इंप्योरिटी होती है, तो उसको क्या करते हैं, हम रिफाइन करते हैं ताकि मेटल की क्वालिटी बढ़ सके, तो रिफाइनिंग में क्या क्या तरीका है, रिफाइनिंग में एकदम शॉर्ट में मैं बता देता हूँ, रिफाइनिंग करने के लिए पहला डिस्टिलेशन लिया जाता है, लेकिन डिस्टिलेशन हम किसके लिए यूज करेंगे, जिसकी बॉइलिंग पॉइंट कम है जिन मेटल्स की, तो लो बॉइलिंग मेटल्स होने चाहिए, और इसके बेस्ट एग्जांपल जो आते हैं जिंक एंड मरकरी, मरकरी तो रूम टेम्परेचर पे ही लिक्विड होकर बैठा रहता है, जिंक की भी कम होती है। सेकंड आता है लिक्वेशन प्रोसेस, लिक्वेशन प्रोसेस, ये टिन के लिए एक्सक्लूसिवली है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि पहला तो इसके लिए बॉइलिंग पॉइंट कम होना चाहिए, लो मेल्टिंग, सॉरी मैं बार बार बॉइलिंग लिख रहा हूँ, यहाँ पे भी मैंने बॉइलिंग लिख, हाँ ये तो यहाँ पे तो ठीक है बॉइलिंग है, यहाँ मेल्टिंग पॉइंट होगा, लो मेल्टिंग पॉइंट, मेल्ट हो जाना चाहिए जल्दी। तो ये देखो ये क्या प्रोसेस होता है, जैसे गाँव आप कभी घर में देखोगे पूरी उरी बनती है कढ़ाई में तो लास्ट में थोड़ा सा तेल रह जाता है, तो आप देखोगे घर में मम्मी मम्मी क्या करती हैं, कढ़ाई को थोड़ा सा टिल्ट करके ऊपर से तेल एक दूसरी कटोरी में निकाल के रख लेती हैं और नीचे जो कचरा रहता है ड्यूरिंग द फॉर्मेशन वो वहीं रह जाता है। तो ये जो टिल्ट करके तेल को ऊपर से हटा लेना वही लिक्विडेशन प्रोसेस है। यही चीज हम टिन को करते हैं, पहले हम क्या करते हैं टिन को मेल्ट करते हैं, तो हमें पता है टिन तो कम लो मेल्टिंग पॉइंट है, वो तो मेल्ट हो जाएगा, उसकी इंप्योरिटी सॉलिड के फॉर्म में नीचे ही रह जाएगी, और उसके बाद टिल्ट करते हैं तो ऊपर से टिन प्योर फॉर्म में बाहर निकल आता है, इंप्योरिटी नीचे ही रह जाती है सॉलिड फॉर्म में, यही होता है लिक्विडेशन प्रोसेस। तो स्लोप करके हम इसको अलग कर लेते हैं। थर्ड जो होता है यह है इलेक्ट्रो रिफाइनिंग, कॉपर के लिए यूज होता है इलेक्ट्रो रिफाइनिंग, इम्प्योर कॉपर एक तरफ लिया जाता है, यह कॉपर के लिए यूज होता है। इसमें क्या करते हैं ना हम यहां पे एनोड बनाते हैं इम्प्योर कॉपर का और कैथोड बनाते हैं प्योर कॉपर का और इसकी हम इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं। यह एनोड है पॉजिटिव, इम्प्योर है, ये इम्प्योर कॉपर है, इम्प्योर कॉपर और ये प्योर कॉपर है, प्योर कॉपर और यहाँ पे कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन या कोई भी कॉपर 2 प्लस वाला, जनरली कॉपर सल्फेट यूज किया जाता है, ये ले लेते हैं कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन। तो इससे क्या होता है कि धीरे धीरे इस कंटेनर से कॉपर इसमें घुलता रहता है, कॉपर 2 प्लस घुलेगा और यहाँ से कॉपर 2 प्लस डिपॉजिट होता है, तो ये पतला होता चला जाएगा, ये पतला होता जाएगा और ये थिक होता जाएगा, मोटा होता चला जाएगा और इधर जो आएगा वो प्योर कॉपर की एक थिक लेयर बन जाएगी और ये धीरे 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 इसमें से पूरा कॉपर निकल जाएगा और लास्ट में सिर्फ इम्प्योरिटी बच जाएगा, जिसको कहते हैं एनोड मड, इसका नाम होता है एनोड मड, जो लास्ट में बच जाता है। तो ये कॉपर के लिए यूज होता है इलेक्ट्रो रिफाइनिंग। उसके बाद आता है जोन रिफाइनिंग, ये कोई स्पेसिफिक मेटल के लिए नहीं है तो इसलिए मैं इसको मेंशन नहीं कर रहा हूं। अब आते हैं जो यहां पे दिया है, ठीक है, वेपर फेज रिफाइनिंग, फोर्थ है वेपर फेज रिफाइनिंग। देखो वेपर फेज रिफाइनिंग में क्या आता है, आप इम्प्योर जो मेटल है ना उसकी इम्प्योरिटीज सॉलिड में ही रह जाए और मेटल को किसी तरह से हम वेपर में लेके चले जाएं, यही प्रोसेस होता है। तो इसमें दो प्रोसेस आते हैं, एक होता है मॉन्ड्स जो अभी दिया हुआ है निकल के लिए है, मॉन्ड्स ये एक्सक्लूसिवली है निकल के लिए, याद रखना मॉन्ड्स प्रोसेस निकल के लिए। क्या करते हैं इसमें, निकल जो कि इम्प्योर है
इम्प्योर निकल को हम कार्बन मोनोऑक्साइड से ट्रीट करते हैं। जैसे ही आप कार्बन मोनोऑक्साइड से ट्रीट करोगे, ये NiCO होल फोर बना देगा और ये वेपर के फॉर्म में निकल जाएगा। इसके लिए टेम्परेचर भी बहुत कम चाहिए, 80 डिग्री के आसपास। और फिर इसके बाद इसको हीट कर दो 180 डिग्री पे, तो वापस ये टूट के निकल हमें मिल जाएगा, अलग हो जाएगा और CO अलग हो जाएगा, 4CO अलग हो जाएगा। तो ये जो निकल होगा अब प्योर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो बस यही मॉन्ट्स प्रोसेस है। और दूसरा है वैन आर्कल प्रोसेस। आर्कल प्रोसेस ये भी याद रखना आप। पहला चीज ये किसके लिए होता है, आयोडाइड बना के हटाते हैं, ये जिरकोनियम के लिए एंड टाइटेनियम के लिए, इसी के लिए हम यूज करते हैं। इसमें इन मेटल के आयोडाइड बनाए जाते हैं। जैसे जेडर लोगे, I2 से ट्रीट कर दो, ये जेडर I4 बना देता है, ठीक है, ये वेपर बन जाएगा। और उसके बाद हीट कर दो 2000 तक। टंगस्टन लिया जाता है, टंगस्टन के फिलामेंट से इतना टेम्परेचर रेज किया जाता है, फिर ये अलग अलग हो जाएंगे, जेडर प्लस I2। बहुत ही प्योर मेटल बनता है, वेरी प्योर, वेरी प्योर। यही पूरी स्टोरी है इसके साथ। तो ये मैंने बता दिया। नेक्स्ट अब हम आते हैं इस पे, मॉन्ट्स प्रोसेस। अच्छा ये तो फिर प्योरिफिकेशन ऑफ निकल के लिए आ गया। 11th पे आते हैं, द ओर दैट कंटेन्स मेटल, ओर दैट कंटेन्स मेटल इन फॉर्म ऑफ फ्लोराइड इज, ये तो क्रायोलाइट, वही Na3AlF6, Na3AlF6। बाकी आप उससे रेफर कर लोगे जो मैंने लिस्ट दिया, ये तो डायरेक्ट पकड़ में आ गया फ्लोराइड से। नेक्स्ट आते हैं 12th पे, फॉर द एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन हेमाटाइट ओर इज यूज्ड। हेमाटाइट इज अ कार्बोनेट ओर ऑफ आयरन, तो ये तो स्टेटमेंट गलत हो गया। हेमाटाइट तो पहले मैंने मैंने बताया फिर 2O3 होता है, तो ये स्टेटमेंट तो गलत हो गया। हाँ ये ओर है इसका प्राइमरी ओर, तो यस एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन होगा, ये आ जाएगा 4th। ओनली असर्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट आते हैं 13th पे, द वन दैट इज नॉट अ कार्बोनेट ओर इज, जो कार्बोनेट ओर इसमें से नहीं है, ये मैं पहले ही बता चुका हूँ। और ये बॉक्साइट एल्यूमिनियम का Al2O3 है, ठीक है, ये कार्बोनेट ओर नहीं है। कैलामाइन जिंक का है, सैडराइट आयरन का है, मैलाचाइट कॉपर का है, ठीक है, ये सारे कार्बोनेट ओर हैं, बॉक्साइट कार्बोनेट ओर नहीं है। उसी लिस्ट को आप रेफर कर लोगे जो मैंने बिगिनिंग में दिया था ना, इसको आप लिख लेना, ठीक है ना, ये बहुत काम का है, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट 14th क्वेश्चन, कह रहा है मैट्रिक्स मैच का है, रिफाइनिंग मेथड को अरेंज करना है, लिक्वेशन प्रोसेस। अभी मैंने बताया था लिक्वेशन प्रोसेस ये टिन के लिए होता है, जोन रिफाइनिंग इसको हम बाद में देखते हैं, मॉन्ड्स निकल के लिए मैंने बता दिया है, वेन आर्कल जिरकोनियम एंड टाइटेनियम के लिए होता है, ये इसके साथ मैच हो जाएगा। तो बाकी जो रह गया इसके साथ, जोन रिफाइनिंग फिक्स नहीं होता है, इसीलिए बाकी जो फिक्स है उसको मैंने अरेंज किया, जो बच गया उसके साथ दे दिया। तो इसके अकॉर्डिंग इसका भी ऑप्शन आ जाएगा आपके पास, चेक कर लेना कौन सा होगा। नेक्स्ट आते हैं 15th पे, द एलॉय यूज फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ एयरक्राफ्ट इज, देखो एयरक्राफ्ट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है एल्यूमिनियम, बस इसको मजबूती देना है क्योंकि बहुत लाइट मेटल होता है, इसको मजबूती देना है, तो इसीलिए एल्यूमिनियम का एलॉय होना चाहिए। फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट आते हैं 16th क्वेश्चन, तो इसमें द करेक्ट स्टेटमेंट के बारे में पूछा गया है। पहला है एनिलीन इज फ्रोथ स्टेबलाइजर, ये फ्रोथ फ्लोटेशन है, तो थोड़ा सा इसके बारे में मैं पूरा एक साथ बता देता हूँ, सो दैट कभी फ्रोथ फ्लोटेशन में दिक्कत ही ना हो। देखो फ्रोथ फ्लोटेशन, फ्लोटेशन सबसे पहले ये यूज होता है सल्फाइड ओर, सल्फाइड ओर के लिए यूज होगा। इसमें क्या होता है, डिफरेंशियल वेटिंग प्रॉपर्टी यूज होती है। डिफरेंशियल वेटिंग प्रॉपर्टी का मतलब है सल्फाइड ओर और जो इम्प्योरिटी है दोनों की प्रॉपर्टी पानी में अलग अलग है। जैसे सल्फाइड ओर पानी में नहीं रहना चाहता है, जो इम्प्योरिटी है वो पानी में रहना चाहती है। तो इससे क्या होता है, जो सल्फाइड ओर है वो पानी से दूर भागना चाहता है, पानी में नहीं रहना चाहता है, इसीलिए सल्फाइड ओर को, जो सल्फाइड ओर जो है ये वाटर रिपेलेंट है, ये वाटर रिपेलेंट है। और जो दूसरा इम्प्योरिटी, इम्प्योरिटी को हम कहते हैं गैंग पार्टिकल्स,
ये वाटर लविंग है, वाटर वाटर एब्जॉर्बर है, तो इसीलिए वाटर एब्जॉर्ब करके हैवी हो जाता है। और जो सल्फाइड हो रहा है उसको हम बबल का मीडियम देते हैं। जैसे आप ले जाओ पानी, लो पानी और इसके बीच में एक बबल बना दो खाली जगह ऐसे, तो क्या होगा, जो सल्फाइड ओर होगा, जो ओर मैं सिर्फ लिखता हूँ अंडरस्टूड है कि सल्फाइड ओर है, वो इसमें जाके रहना चाहेगा। और जो गैंग पार्टिकल हैं, इम्प्योरिटीज, मिट्टी विट्टी, वो सब पानी में रहना चाहेगी, तो इससे भारी हो जाएंगी। अब भारी होने के बाद ये नीचे जाके यहाँ पे बैठ जाएगी और ये बबल के साथ और ट्रैप होके ऊपर की तरफ मूव करेगा और ये ऊपर में एकुमुलेट होगा। तो ये कहानी होती है। अब पहला तो बबल बनाना, क्योंकि बबल मैंने बता दिया यहाँ बबल है, अब बबल आएगा कहाँ से, तो इसके लिए बबल बनाना होता है हमें, ऐसा स्पीशीज जो बबल जनरेट करे, ठीक है, तो उसको कहते हैं कलेक्टर, क्योंकि यही बबल बना के कलेक्ट करता है। तो कलेक्टर होता है पाइन ऑयल, पाइन ऑयल, फैटी एसिड, फैटी एसिड और जेनथेट्स, जेनथेट्स ये कलेक्टर होते हैं। और दूसरा इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, ये नॉन वेटेबिलिटी को इनहेंस करता है, नॉन वेटेबिलिटी, ये गीला नहीं होना चाहता है, तो एक मीडियम प्रोवाइड करके बोलेगा तो मेरे पास आ जाओ, गीला नहीं होगे, इसी को कहते हैं इनहेंस नॉन वेटेबिलिटी। नॉन वेटेबिलिटी ये कलेक्टर का काम हुआ। दूसरा आता है स्टेबलाइजर। भाई अब ये बबल बना ब्रस्ट कर जाए तो भी कोई फायदा नहीं है, कुछ टिकना तो चाहिए ना, तो स्टेबलाइजर भी इंपॉर्टेंट है। क्रिसॉल, क्रिसॉल एंड एनिलीन, जो कि यहाँ पे दिया है एनिलीन, ये आएगा इसमें, ठीक है। ये क्या करता है, नाम ही है स्टेबलाइजेस फ्रोथ, जो झाग बनेगा उसको स्टेबलाइज करेगा, स्टेबलाइजेस फ्रोथ, फ्रोथ। तो ये पूरी कहानी है, ठीक है। इसमें एक चीज और एनसीईआरटी में दिया है जो मैं रिकमेंड करता हूँ मोस्टली, कि आप एक चीज और याद रखना, ZnS और PbS का जो मिक्सचर होता है ना, PbS दोनों ही सल्फाइड है, तो अब इसको हम कैसे अलग करेंगे, तो इसके लिए डिप्रेसेंट लिया जाता है, जो किसी एक को फ्रोथ में आने देगा दूसरे को नहीं आने देगा, तो इसके लिए डिप्रेसेंट लिया जाता है। वो इस केस में एनसीईआरटी ने लैंग्वेज मेंशन किया, इसलिए मैं ऑलवेज स्टूडेंट कहता हूँ याद रखना NaCN है डिप्रेसेंट, तो डायरेक्ट पूछा जा सकता है। ये क्या करता है, ZnS को नहीं आने देता है, ठीक है, प्रिवेंट्स ZnS, ZnS फ्रॉम कमिंग टू फ्रोथ, कमिंग टू फ्रोथ, फ्रोथ में आने से ZnS को रोक देगा। तो यही कहानी है। तो अब आते हैं इस केस में क्या क्या हो सकता है, तो करेक्ट ऑप्शन तो पहला ही कैच में आ गया, ठीक है, तो इसीलिए अब कोई मतलब ही नहीं है। जिंकाइट ये तो ऐसे ही गलत है, कैलामाइन कार्बोनेट और होता है, सोडियम साइनाइड कैनॉट बी यूज्ड फॉर द मेटलर्जी ऑफ सिल्वर, ये भी गलत है। ध्यान रखना लीचिंग के दो मेथड है, एक तो मैं ऐसे बता चुका हूँ, फिर से मैं बता देता हूँ, लीचिंग पूरी मेटलर्जी में दो ही केस में जानना है, एक तो बेयर्स प्रोसेस जो मैंने एल्यूमिनियम में बता दिया है, बेयर्स प्रोसेस, प्रोसेस जो आप अभी प्रीवियस क्वेश्चन में रेफर कर सकते हो, वही Al2O3 वाला, Al2O3 और NaOH और SiO2 वाला, ठीक है ना, इसीलिए दोबारा नहीं बता रहा इसको मैं। हाँ दूसरा आता है यही मैक ऑर्थर, पूरा नाम है मैक ऑर्थर साइनाइड प्रोसेस, पूरा नाम है साइनाइड प्रोसेस शॉर्ट में। इसमें क्या करते हैं हम, गोल्ड या सिल्वर हो, ठीक है, उसको हम ट्रीट करते हैं, गोल्ड या सिल्वर के लिए यूज होता है, याद रखना ये Ag और Au के लिए यूज होगा। Ag को हम ट्रीट करते हैं NaCN से, ठीक है ना, प्लस ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ये बना देगा, ये कॉम्प्लेक्स भी बहुत जरूरी है, NaAgCN2, ये Na लगेगा, NaAgCN2 ये फॉर्म होता है, ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट भी है इस केस में, तो ये ध्यान भी रखना है आपको, तो NaAgCN2 ये कॉम्प्लेक्स भी डायरेक्ट पूछा जाता है। उसके बाद होता क्या है कि ये जो इम्प्योर है ना पूरा घुल जाएगा और इसकी इम्प्योरिटी सॉलिड के फॉर्म में जमीन पे बैठी रह जाएगी, इम्प्योरिटी, इम्प्योरिटीज ये सॉलिड के फॉर्म में है जमीन पे अभी भी बैठी हुई रह गई, राइट। अब उसके बाद इसमें हम जिंक ऐड करते हैं, जैसे ही आप इसमें जिंक ऐड करोगे तो जिंक क्या करेगा, वन बाय वन इसको हटा देगा, ठीक है, सिल्वर को,
और इसके बाद ZnCn4 ये कॉम्प्लेक्स बनेगा, इसके साथ रहेगा Na2, ये कॉम्प्लेक्स बनेगा और सिल्वर बाहर। तो ये पूरी कहानी हो जाएगी इस पर्टिकुलर केस में। तो आते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 17th पे। अच्छा तो इसका ये गलत हो गया, जोन रिफाइनिंग ये भी मैंने बता दिया है, जोन रिफाइनिंग टाइटेनियम गलत है, टाइटेनियम और जिरकोनियम के लिए मैंने बता दिया है, इनके लिए हम यूज करते हैं वेन आर्कल प्रोसेस, इसीलिए ये गलत हो गया। नाउ 17th क्वेश्चन, द आइडिया ऑफ फ्रोथ फ्लोटेशन मैथड केम्स फ्रॉम अ पर्सन एक्स, दिस मैथड इज रिलेटेड टू द प्रोसेस वाई ऑफ ओर, वाई ऑफ ओर्स, प्रोसेस वाई ऑफ ओर्स, एक्स एंड वाई रिस्पेक्टिवली आर। अच्छा ये वॉशर वोमेन थी, इसी ने एक साइंटिस्ट को बताया था। कंसंट्रेशन ये आएगा सेकंड, वाशर वोमेन है और वो कंसंट्रेशन ऑफ ओर से रिलेटेड है, ओर को कंसंट्रेट करता है इंप्योरिटी को बाहर करके, तो दैट्स व्हाई इसमें ये ऑप्शन आएगा। नेक्स्ट आते हैं 18th, द करेक्ट स्टेटमेंट इज लीचिंग ऑफ बॉक्साइट यूजिंग कंसंट्रेटेड NaOH सॉल्यूशन गिव्स सोडियम एल्यूमिनेट एंड सोडियम सिलिकेट। ये भी मैंने बता दिया है, ठीक है, NaOH के साथ आप इसको ट्रीट कर रहे हो, लीचिंग कर रहे हो बॉक्साइट का, तो सोडियम एल्यूमिनेट ये गलत हो गया, सोडियम मेटा एल्यूमिनेट बनता है, NaAlO2 बनता है, NaAlO2, और ये तो सही है, सोडियम सिलिकेट Na2SiO3, वही जो मैंने अभी बताया था ना बॉक्साइट का प्रिपरेशन, मैं एक बार रेफर करवा ही देता हूँ आपको, होगा ही यहाँ पे एल्यूमिनियम का प्रोसेस, एल्यूमिनियम ये रहा यहाँ पे, ये देखो ये बेयर्स प्रोसेस मैंने बताया हुआ है, NaAlO2 बनता है, इसका नाम है सोडियम मेटा एल्यूमिनेट और ये है सोडियम सिलिकेट Na2SiO3 प्लस इम्प्योरिटी रिमूव होता है, ये बेयर्स प्रोसेस, यही यहाँ पे आया था, उसने नाम गलत दे दिया है। हॉल्स हेराल्ड्स प्रोसेस इज यूज फॉर प्रोडक्शन ऑफ एल्यूमिनियम एंड आयरन, इसमें आयरन को यूज करके गड़बड़ कर दिया है, पिग आयरन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम कास्ट आयरन, ये भी गलत है, द ब्लिस्टर अपीयरेंस ऑफ कॉपर ड्यूरिंग द मेटलर्जी, मेटलर्जिकल प्रोसेस इज ड्यू टू द इवोल्यूशन ऑफ CO2, ये भी गलत है, जो ब्लिस्टर अपीयरेंस आता है ठीक है, वो O2 के ट्रैप होने के कारण आता है, ना कि CO2 से, उसका कोई लेना देना नहीं है, ठीक है, O2 के अपीयरेंस, तो इसीलिए बेस्ट तो यही आ गया फिर, ठीक है, इसमें आयरन था तो थोड़ा सा डाउट था, एल्यूमिनियम के लिए तो कंफर्म यूज होता है हेराल्ड्स प्रोसेस, तो हो सकता है एज अ थोड़ा बहुत आयरन भी मिलता हो एज अ साइड इम्प्योरिटीज, इसीलिए इन सभी में ये ऑप्शन करेक्ट हो गया, ठीक है। थोड़ा सा ये ब्लिस्टर अपेयरेंस कॉपर का आया है, तो मैं थोड़ी सी मेटलर्जी में कुछ चीजें और बता देता हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। उसमें पहला है कि सेल्फ रिडक्शन किस में यूज होता है, सेल्फ रिडक्शन, तो याद रखना सेल्फ रिडक्शन कॉपर के केस में यूज किया जाता है, कॉपर की मेटलर्जी में यूज किया जाता है, सेल्फ रिडक्शन मरकरी के मेटलर्जी में और लेड की मेटलर्जी में आप यूज कर सकते हो, लेकिन लेड की मेटलर्जी में हम करते नहीं है क्योंकि इकोनॉमिकल कार्बन रिडक्शन होता है, लेकिन हम इसमें कर सकते हैं, इसीलिए मैं एक्सक्लूसिवली कह रहा हूं कर सकते हैं, सकते हैं लेकिन करते नहीं है, करते हैं इसमें कार्बन रिडक्शन प्रोसेस, तो पहला ये है। दूसरा एल्यूमिनियम रिडक्शन, जिसको कि एल्यूमिनियम थर्माइट प्रोसेस भी कहा जाता है, AL रिडक्शन, एल्यूमिनियम रिडक्शन, एल्यूमिनियम को यूज किया जाता है रिडक्शन के लिए, ये याद रखना क्रोमियम और MN की मेटलर्जी में किया जाता है एल्यूमिनियम रिडक्शन, कार्बन रिडक्शन ये मेजर है, बहुत जगह पे आता है कार्बन रिडक्शन, कार्बन रिडक्शन कहाँ कहाँ आएगा, आयरन में आएगा, लेड में आएगा, जिंक में आएगा, ठीक है ना, तो इन तीनों में कार्बन रिडक्शन। फिर इलेक्ट्रोलाइसिस से किसको किसको अलग किया जाता है, इलेक्ट्रोलिटिक, इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन, पहला तो हेराल्ड्स प्रोसेस, हेल्स हॉल्स प्रोसेस जो आप देख रहे हो बार बार एल्यूमिनियम का जो है उसके लिए आएगा, दूसरा सोडियम के लिए आएगा, जितने भी एस ब्लॉक, थर्ड अदर एस ब्लॉक मेटल्स, इनके लिए हम एल्यूमिनियम, इनके इसका जो भी सॉल्ट होगा उसका हम रिडक्शन करके इसको प्योरीफाई करते हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान में रखना। कॉपर के लिए मैंने बता दिया सेल्फ रिडक्शन हम इसमें कराते हैं, तो जब आप सेल्फ रिडक्शन कराते हो ना,
तो सेल्फ रिडक्शन के ड्यूरेशन में ही ठीक है ब्लिस्टर अपीयरेंस आता है O2 को ट्रैप करने के कारण, ठीक है। तो बस इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू वेरी मच।